हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 3 जून और बार है बुधवार। अभी मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे की ओर, तो कुछ काम है आपको बाद में बताएंगे। हमारे जो बगीचे है और घर से लगभग 1 किलोमीटर जैसा दूर होगा, तो मैं अभी चल के जा रहा हूँ। और रास्ते का हालत आप लोग जानते हो, मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताया है। देखो ये है रास्ते की हालत, और ये जो है ये हमारे गांव का मंदिर है, गोपाल मंदिर। तो अभी हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, ये दोनों है मेरे साथ। तो ये बकेट भी हम लोग क्यों लेके जा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यार 2020 में भी हम लोग का ऐसा गंदा रास्ता है यार, पता नहीं कब अच्छा होगा ये रास्ता। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के टाइम में लोगों की हालत क्या होता है, मतलब खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। लेकिन हम लोग का केस टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग गांव वाले हैं, तो बगान में तो पहुंच गए हम लोग। क्यों, तो अभी मैं बताता हूँ क्यों आया है। तो आज हम लोग यहाँ बगान में आए हैं आम तोड़ने के लिए। जी हाँ, आम तोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने ये बकेट लाया है जहाँ पे हम लोग आम कलेक्ट करेगा, और साथ में ये है बटर, जिससे कुछ लोग डाव भी बोलते हैं। तो ये हम लोग इससे आम को काटेगा। वो पानी में गिर गया एक, उठा उठा उठा। ओए ये ये आम मिल गया। अच्छा तो ये मैं बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आम रखते हैं यहाँ पे ना। अरे ये तो पक चुका है थोड़ा। खाओ। हाँ वो ट्राइपॉड है। तो ये था एक ठो आम पेड़, और सामने भी एक है, तो उधर दिखेगा मैं एक ही नहीं, आधा भी नहीं तोड़ा, और हमारा बकेट फुल हो गया। और इधर का शायद तोड़ पाएगा कि नहीं। तो ये रहा वो दूसरा पेड़, पता नहीं यहाँ का तोड़ पाएगा कि नहीं, मतलब हमारा बकेट तो फुल हो गया। तो मैं पहले वो दाव लेके आता हूँ छोटा सा, मैंने बोला था बड़ा दाव लेके आएगा, लेकिन मुझे लगा था बड़ा दाव लेके आने से अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैंने छोटा वाला लेके आया। वो बोल रहा था चलेगा यही। तो अभी एक बैम्बू करना पड़ेगा, वो ऊपर का है ना, वो वाला नहीं तोड़ पा रहा है, तो बैम्बू से तोड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी एक बैम्बू काटूंगा, तो ये रहा वो दाव, इससे बैम्बू काटूंगा। वैसे ये छोटा है, बहुत मुश्किल होगा इससे काटना, लेकिन तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन जीत काटेगा बोला, काटे दो उसे, मैं देखते रहूँगा कौन सा वाला काटेगा। ये वाला अच्छा काटो, अच्छे से काटो। वैसे जो दाव लाया था वो छोटा है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है काटने के लिए, और उसमें मतलब धार भी बहुत कम है, वो सब्जी काटने के लिए था। तो ये बास्ट हम लोगों ने काटा है, बस ऊपर के जो आम है वो हाथ से नहीं तोड़े जा रहे, तो इसलिए हम लोग बास्ट से तोड़ेंगे। इस चीज का मुझे बहुत बुरा लगता है यार, लोग हमारे बगीचे के सामने आते हैं और ऐसे गंदा करके चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे आके ड्रिंक करता है और ऐसे देखो सारा कितना सारा है बियर्स का बोतल ऐसे गंदा करके चले जाते हैं यार। तो अभी मैं ये सारे बोतल्स कलेक्ट करूंगा और एक जगह रखूंगा कलेक्ट करके। तो देखो मैंने कितना सारा बोतल कलेक्ट किया, ये सबको अभी एक जगह अच्छे से रखेगा मैं,
और उसके बाद अगर कोई बॉटल कलेक्ट करने वाला आता है तो उसने 2 महीने से ज़्यादा हो गया कोई भी बॉटल कलेक्ट करने वाला नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन है अभी। तो देखते हैं, मैं इसको एक जगह अच्छे से रखूँगा, उसके बाद जब भी बॉटल कलेक्ट करने वाला आएगा तो मैं उसको ये दे दूँगा। हमारा ये जो बकेट है ये आम से पूरा फुल हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने ये बोरी मंगवाया है। इस बच्चे ने हम लोग को लाके दिया है ये बोरी। आम खाएगा? हिंदी आता है कि नहीं? नहीं आता है। आम खाबो ना खाए क्या? कच्चा है सारा आम, इसको घर में ले जाकर पकने के लिए रखेगा। तो आप लोगों में से कुछ लोग का ये सवाल होगा कि अगर आम कच्चा है तो हम लोग उसे तोड़ क्यों रहे हैं? नहीं, हम लोग उसे अचार बनाने के लिए नहीं तोड़ रहे। तो इसका कुछ रीज़न है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। वैसे मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बताऊँगा क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ अपने ब्लॉग पे, तो मैं सच्चाई बताऊँगा। तो बात यह है कि हमारा घर और हमारा ये बगीचा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ के जो आम है वो चोरी हो जाते हैं और हर साल हम लोग को ये आम खाने को नहीं मिलता है। तो इसलिए इस साल हम लोगों ने थोड़ा जो पकने वाला है तभी हम लोगों ने आज तोड़ा, तो इसे हम घर ले जाकर पकने के लिए रखेंगे। तो कारण यही है कि यहाँ के जो आम है वो हम लोग का आम होके भी, हम लोग का पेड़ होके भी हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि चोरी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग कच्चा में ही तोड़ा। तो या यही था रीज़न कच्चा आम को तोड़ने के लिए। तो उस पेड़ का आम हम लोगों ने तोड़ लिया, अब हम लोग तोड़ेंगे इस पेड़ का आम। और अभी मैंने मम्मी को कॉल किया था और उसने बोला कि ये वाला जो पेड़ है, ये वाला ज़्यादा मीठा है इससे ज़्यादा, मतलब मम्मी ने बोला है ये पेड़ ज़्यादा अच्छा है इस पेड़ से। तो इस पेड़ का भी हम लोग तोड़ के ले जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आने वाले। तब तक ले खुश रहो, हंस रहो, बाय बाय। तो ये साइकिल में 2 बोरी आम और इधर बाल्टी में। हाय गाइस।